से बना हुआ एक ड्रेस पहना, एक बास्केट पहनी, वेस्टकोट पहनी उन्होंने, और वो बास्केट पहन के वो पार्लियामेंट में आए और उन्होंने सेशन अटेंड किया। तो जिसकी बिना पर उनकी वो वाली तस्वीर जो है वो साथ लगाई गई है। इंडिया में इस टाइम एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें वो सोलर एनर्जी को लेकर रैली निकालेंगे अवेयरनेस के हवाले से, वो ग्रीन एनर्जी को लेकर रैली निकालेंगे अवेयरनेस के हवाले से। इंडिया में ऑलरेडी यूनिट की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट तो काफी हद तक कम है। पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो जाए। इंडिया में चल रहा है एनर्जी वीक, और एनर्जी वीक जो है वो आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, उसको बेहतर करने के लिए जो प्लास्टिक की बॉटल्स है उसको रिसाइकिल करके जो है उसके कपड़े बनाए जा रहे हैं। वी आर साइको सोशियो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स एंड डबल स्टैंडर्ड नेशन। शर्म वाली बात है वैसे। एक खबर जिससे मैं बहुत हैरान हुई कि 1,65,000 डॉलर की एड तालिबान अफगानिस्तान तुर्की भेज रहा है। कमाल है भाई। उन्होंने ये पाबंदी लगाई कि पाकिस्तान रुपया जो है वो काबुल में ट्रेड नहीं हो सकेगा। बहुत बड़ा, तवक्कुल से ज्यादा बड़ा महंगाई का तूफान जो है वो आ रहा है। इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था, तो मैं समझती हूँ बनाए जा रहे हैं, उसके मलबूसात तैयार किए जा रहे हैं, उसको क्लोथिंग में यूज किया जा रहा है, यानी प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल करके क्लोथिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसके लिए, इसकी वजह से ये होगा कि प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में ये शायद कैंपेन चल रही है, लेकिन इंडिया के बारे में ये इस वजह से खबर इस वक्त जियो में पब्लिश हो रही है, दूसरी जगहों पर, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्लास्टिक की रिसाइकिल के हुई बोतलों से बना हुआ एक ड्रेस पहना, एक बास्केट पहनी, वेस्टकोट पहनी उन्होंने, और वो बास्केट पहन के वो पार्लियामेंट में आए और उनसे जब आए। मैं आपको बता देती हूँ क्या पब्लिश हुआ है। दुनिया भर में प्लास्टिक से बनी बॉटल्स को जो इस वक्त एनवायरमेंट पोल्यूशन है उसको कम करने का एक बड़ा जरिया करार दिया जाता है, और इसके लिए जो है मुख्तलिफ तरीके तैयार किए जा रहे हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल करके कपड़े भी तैयार किए जा रहे हैं, और इंडिया में भी इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 8 फरवरी को पार्लियामेंट के सेशन में प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल करके तैयार की गई बास्केट पहनकर उन्होंने उसमें शिरकत की है, और इंडियन पीएम ने 6 फरवरी को जो यूनिफॉर्म्स प्लास्टिक यानी को रिसाइकिल से यूनिफॉर्म्स की तैयारी की एक कैंपेन भी लॉन्च की है कि यूनिफॉर्म जो है अब वो प्लास्टिक की रिसाइकिल करके बॉटल से जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये इसमें जो है इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था, और इसमें फिर सारी ये जो कैंपेन चल रही है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इसमें होता क्या है, कैंपेन तो चली रही है, लेकिन अगर कोई ऐसी नॉन पर्सनैलिटी, एक बड़ी पर्सनैलिटी कुछ ऐसा करती है और वो पहनकर ही ऐसा होते तो वो बात ज्यादा दूर तक जाती है। और इंडिया में अगर एनवायरमेंट के ऊपर इतनी बड़ी कैंपेन चल रही है, खैर वैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो समिट होते हैं वहां पर भी उनका जो सबसे ज्यादा टॉपिक जिनके ऊपर वो उनका एजेंडा होता है उसमें फूड क्राइसिस है, उसमें एनर्जी है, उसमें क्लाइमेट है, सब है, हमारे इतने ऊपर हम उसको लेकर नहीं आते। हमारा तो खैर सबसे बड़ा मसला आप जानते हैं इस पर क्या है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है और ये सब कुछ। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी जो है इसमें आगे बढ़ना चाहिए और ये वाला तरीका इख्तियार करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी हम अडॉप्ट कर चुके हैं तो इसमें तेजी लानी चाहिए, और क्योंकि सैलाब सबसे बड़ा यहाँ पर आया है, ठीक है, तो हमें भी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये आपस की ये जो बकवास इस वक्त चल रही है सब कुछ तू मैं और ये सब कुछ के जो भी आप जानते हैं, मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो इससे कहीं ज्यादा चल रहा है जो मैंने अभी कम इस्तेमाल किया, तो इसको छोड़ के इकोनॉमी पर और इस तरह की चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया में इस टाइम एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें वो सोलर एनर्जी को लेकर रैली निकालेंगे अवेयरनेस के हवाले से।